नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। स्कूल से पेपर देकर वापस घर लौट रही 12वीं की छात्रा का रास्ते में ही 3 से 4 अपहरणकर्ताओं ने मुंह पर नशीला पदार्थ सुंघाकर कार में अपहरण करके सुनसान इलाके में ले गए। इसी बीच पीड़ित छात्रा को होश आने पर अपहरणकर्ताओं ने छात्रा के पिता का मोबाइल नंबर लेने की कोशिश की। उसके बाद पीड़िता को अपहरणकर्ता बोरे में बंद करके जंगल में फेंक गए। आज तड़के छात्रा की चीख पुकार सुनकर इलाके के लोगों ने बदहवास स्थिति में छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। छात्रा के मुताबिक संडे के दिन ये इंटरमीडिएट का स्कूल में प्रैक्टिकल देकर आ रही थी, उसी दौरान रास्ते में 4 अपहरणकर्ताओं ने छात्रा का अपहरण कर लिया। बहरहाल छात्रा के परिवार वाले बदनामगी की वजह से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि ये पूरा मामला बिजनौर के थाना सिवहारा इलाके के बसंत कुटी का है। आरएसपी में मॉरल पेपर दे के आई कल संडे में, मॉरल पेपर था। 10 बजे से बताया था कि 10 बजे आना, पर लेट हुआ था एग्ज़ाम लेके। मेरे पास पूछ रही थी कि किस टाइम शुरू हुआ है, तो मुझे पता नहीं। जब देखे आप पेपर जा रही थी तो क्या घटना घटी? मैं यहाँ से निकली, मैं शांति ग्राउंड से निकल के जाती थी तो उसे शॉट पड़ता है, तो उधर से पीछे से किसी ने मेरे मतलब कि रू हैंग के वाइट कलर का रखा मेरे नाक पर। हाँ, उसने तो अजीब सी प्रेगनेंस आई, पर मुझे होश था, मैंने चीखी बीमारी, पर वहाँ से किसी ने निकल के देखा नहीं। मैं यहाँ पर सुनसान रहती, फिर किसी ने मेरे पैर पकड़े और मेरे पे जीपी से गिरा दिया, और मुझे गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। ये नहीं पता कि उम्मीद ही थी किसी और की, गाड़ी का कार या बाइक ये नहीं पता, बस बड़ी आवाज़ आ रही थी। फिर आग कब खुली तुम्हारी? मेरे आँखों के सामने अंधेरा सा आने लगा, उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो अब कब होश आया तुम? होश आया तो आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी और ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे आलू का कुछ खिलाया, मैंने वो खा लिया, और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आने लगी। उसके बाद रात हो रही थी या सुबह थी मुझे पता नहीं, कोहरा कोहरा था, मुझे पता चला कि मैं कितनी कोहरी हूँ। बंद कमरे वमरे में ले गए किसी? ये नहीं पता, ये नहीं पता। अच्छा अच्छा। आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मारने के लिए बोल रहे थे, मतलब कि ऐसा था कि जैसे कि उनसे कोई कुछ करा रहा है। वो मेरे से पहले डैडी का नंबर लिया था, जब मुझे वहाँ पे होश आया था ना कि अपने बाप का नंबर दे, मैंने कहा मुझे मेरे घर पे जाना, कह रहा है तेरे घर पे छोड़ देंगे तेरे बाप से पैसे लेके, तो पहले नंबर दे दे। मैंने नंबर दिया और फिर उन्होंने डैडी उडी से कुछ बात करी होगी, बस मैंने उनसे आपस में ये बात करते हुए सुना, वे किसी से बात कर रहे होंगे कि हम ना ऐसे अगर मारेंगे भी ना तो तुम्हारी साइड छोड़ेंगे, तुम्हारी स्टूडियो में हम, और हमारे इस कांड में मारने का तो कोई सीन नहीं था, मारेंगे तो हम फंस जाएंगे, ऊपर से हमें पैसे भी नहीं मिल रहा है। ये बात सही है कि यहाँ पे एक बोरी में कहाँ की लड़की? ये महानता मिल के आने तो अभी इसमें कुछ कार्रवाई तो आज इसके बयान दिए, तो इसके द्वारा बताएगा कि मेरे साथ किसी ने ना कोई छेड़खानी की, ना कोई गलत काम किया, बस मुझे किसी ना कोई आलू जैसी चीज़ खिलाई और फिर मैं यहाँ भी किसी ना कोई